कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है बिटवीन F एंड टू एफ ऑफ ए कॉनक्यू मिरर सो जो उसके रियल इमेज फॉर्म होगी उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल होगी एंड फॉर्म होगी बियॉन्ड टू एफ टू एफ के बियॉन्ड में वो रियल इमेज फॉर्म होगी आपको मिरर इक्वेशन फॉर्मूला यूज करके शो करना है इसको ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए स्मॉल कैंडल टू सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ट्वेंटी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एक स्मॉल कैंडल है 2.5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है उसको हमने प्लेस किया है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर हमने उसको 27 सेंटीमीटर पे क्या कर प्लेन रखा हुआ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर 27 सेंटीमीटर में हमने उसको रखा है कॉनकेव मिरर से जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है दैट मींस ये आपका गिवन है अगर आप इसको टू से डिवाइड कर दें एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू अ शार्प डिस्टेंस पर हमको मिरर प्लेस करना चाहिए जिससे हम शार्प इमेज ऑब्टेन कर सकें ठीक है डिस्क्राइब करना है आपको नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज उस इमेज का नेचर भी रियल है वर्चुअल है एंड उसका साइज भी आपको ऑबटेन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सपोज सिटिंग इन ए कार सपोज आप एक पार्क कार में बैठे हुए हैं आप नोटिस करते हैं साइड के मिरर में यू नोटिस अ अप्रोचिंग यू इन द साइड व्यू मिरर आप नोटिस करते हैं कि एक गाड़ी से आप पीछे से कोई आपको क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ दैट मींस आर इक्वल टू टू मीटर है फोकल लेंथ आपकी वन मीटर हो जाएगी टू से डिवाइड करने के बाद इफ द जोगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड जो जोगर है वो रनिंग कर रहा है किस स्पीड से फाइव मीटर पर सेकेंड से हाउ फास्ट द इमेज ऑफ़ द जोगर अपीयर टू मूव वैन द जोगर इज़ थर्टी नाइन मीटर ट्वेंटी नाइन मीटर एंड नाइन मीटर अवे सो उसको आपको फाइंड आउट करना है हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जोगर कितनी फास्ट इमेज होगी जोगर की जब वो थर्टी नाइन मीटर पर डिस्टेंस पर है ट्वेंटी नाइन पर है नाइन मीटर पर है सो so, आपको इनका अलग अलग से फाइंड आउट करना है ए बी एंड सी का इवनिंग में मैं आपको इसका सोल्यूशन सेंड करूँगी उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन मेरे पास सेंड करेंगे कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछेंगे उसके बाद आज ही मैं आपको इवनिंग में इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी विद वीडियोस तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ओके थैंक यू डियर स्टूडेंट्स